अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आप सभी को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज 2 अक्टूबर का दिन है। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ दिन और दूसरा दिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है सद्गुरु अभिलाष साहब की पुण्यतिथि। वस्तुतः उनका शरीर 26 सितंबर को पूरा हुआ था। सुबह लगभग 2:30 बजे के आसपास उस दिन की याद में, स्मृति में आज के दिन ये कार्यक्रम रखा गया है। एक बच्चे को बोलने को कहा जाए तो सबसे पहले वो अपनी माँ पर ही बोलेगा, उसके बाद उसके लिए कुछ और बातें आती हैं। तो थोड़ी कुछ बातें पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी पर। बहुत छोटा था, शायद 6ठी पढ़ता था मैं, और कबीर मंदिर से निकट घर रहा। अब 6ठी पढ़ने वाले बच्चे के मन में क्या रहा, कैसी बातें रहीं, नहीं जानता हूँ, याद कुछ ऐसा नहीं, लेकिन जानता था कि एक संत रहते हैं। और एक घटना याद आती है, कोई वहाँ कार्यक्रम होने वाला था तो बगल के प्लॉट में जो उस समय खाली था वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, तो मैं सड़क से गुजर रहा था तो उस प्लॉट में देखा कि कुछ संत लोग खड़े हैं, तो उस पार गया और बीच में एक छोटा सा नाला पड़ता है, नाली, तो मुझे याद है कि मैं कूद करके उसको पार किया, माने मैं उछल करके नहीं पार कर पाया, कूद करके पार किया। तो जब उधर गया तो गिर पड़ा, हाथों का सहारा लिया, तब उठा, हाथ झाड़ा और वहाँ जो सबसे प्रभावशाली आदमी थे उनके पास गया पैर छूने, तो वो 2 कदम पीछे हट गए, पैर नहीं छुआए। तो जब मैं वापस घर आया तो मैंने अपनी माँ से कहा कि वहाँ कुछ साधु लोग खड़े थे, मैंने के पैर छूना चाहा तो वो पैर पीछे, वो पैर छुआए नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, सब लोग खड़े थे। मेरी माँ कही तुम्हारे हाथ गंदे रहे होंगे इसलिए। ये बात मुझे पहली बार का स्मरण कराती है। फिर जब दोबारा गया उनके कक्ष में अपने एक मित्र के साथ, तब उन्होंने पहले यही कहा, जाओ पहले हाथ धो कर आओ। गया हाथ धो कर के आया और फिर ऐसे ही पहुंच लिया। पैंट में फिर ऐसे ऐसे पोंछ लिया, वो कहे जाओ फिर धो कर आओ। मुझे लगा क्या हो गया, एक बार तो धो के आया, अब समझ में आता है कि वो क्या चाहते थे। तो शुरुआत कुछ ऐसे ढंग से हुई थी, उन्होंने एक पुस्तक दी पढ़ने के लिए, जब मैंने पढ़ा उसको बीच में उठ के जाने लगा तो उसको मैंने किनारे से मोड़ दिया, पत्ते को मोड़ दिया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा किताब का पन्ना ख़राब हो जाता है, एक कागज़ दिया अलग से, उनका इसको लगा लो, जहाँ तक पढ़ते हो उसके आगे से फिर शुरू कर देना।
अब वो जो उन्होंने संस्कार दिया हाथ धोने का, किताब के पन्ने न मोड़ने का, वो संस्कार अभी भी बना हुआ है। किसी की किताब में पढ़ता हूँ, उसमें पन्ना मुड़ा हुआ देखता हूँ तो उसको सीधा कर देता हूँ। संसार के महापुरुष वो लिख रहे थे उस समय, शायद 91 की बात होगी, उसमें वो राम के बारे में लिखे, कृष्ण के बारे में लिखे, तो मुझे बहुत पसंद आता। जब स्कूल से घर लौटता तो उनके पास चला जाता, उनकी लिखने वाली कॉपी घर लेकर के चला आता, और दूसरे दिन मैं सुबह स्कूल चला जाता। तब गुरुजी किन्हीं संत को भेजते, उसके यहाँ चले जाओ और वो कॉपी ले आओ, हमको आगे लिखना है। आज ये सब चीज़ें याद करता हूँ तो लगता है कि वो आदमी में कितना बड़प्पन था। और एक छोटे बच्चे से भी निभाना, एक छोटे बच्चे को निभाना बहुत बड़ी बात है। बड़े को तो बड़ा आदमी निभा सकता है, छोटे को कैसे निभाओगे? लेकिन वो छोटे बच्चे को भी निभाते थे, उसको दुलार देना, ध्यान देना, संस्कारित करना, कुछ यही सब कारण रहे कि उनके साथ आने का निर्णय लिया। और मुझे लगता है हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी विद्वता और बड़ा नाम वो तो बाद की बात है, लेकिन वो जितना प्यार देते थे, जितना दुलार और स्नेह देते थे, वो हमारे बच्चे वाले मन को खींच लेता था। मैं इस बात को कई बार कहा करता हूँ, कोई दुनिया में कहता रहे कि आजकल के गुरु बड़े ढोंगी होते हैं और ठग्गू होते हैं, तो मैं स्वीकारता हूँ, ठीक है, आपका ऐसा अनुभव है और आपकी ऐसी बात है, तो हो सकता है कि वैसे हों, लेकिन मेरा अनुभव अलग रहा है। और जब तक जीवन है मैं इस बात को भीतर से महसूस करता हूँ कि हमने अपने जीवन के कुछ अनमोल क्षण एक सही आदमी के साथ बिताए थे, वो सच्चे थे। आपका अनुभव क्या है? आपका दुर्भाग्य है, लेकिन हमारा ये सौभाग्य रहा कि हम उनकी अंगुली पकड़ करके इस अध्यात्म के रास्ते पर कुछ दूर तक चल सके। उनका शरीर पूरा हुआ तो एक युवक आता था आश्रम, वो आकर के बैठा, दुखी दुखी सा था। उसने कहा, मैं तो गुरुजी के पास बस 1.5 बरस ही आ पाया और साहब जी का शरीर पूरा हो गया, और आप तो फिर बहुत बहुत समय से उनके साथ जुड़े हुए थे, आपका तो सौभाग्य रहा कि आप बहुत समय से जुड़े रहे, मैं तो बस 1.5 बरस ही उनके सानिध्य में रह पाया। मैंने उससे कहा, 1.5 बरस में जो तुम सीखे हो उससे कुछ दिन रह सकते हो? उसने कहा, कुछ दिन क्यों, पूरा जीवन जी सकता हूँ उनके बताए अनुसार। तो मैंने कहा, फिर बात पूरी है, उन्होंने जो 1.5 बरस में सिखाया अगर उससे आप अपना जीवन पूरा जी सकें तो और क्या चाहिए। गांधी जी के बारे में मैंने संस्कार अपने गुरुजी से ही पाए। इस समय जो लहर चल रही है इस देश में, खासकर इस सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है, किताबों में लिखा जा रहा है, वो कुछ इस ढंग से होने लगा है कि गांधी, नेहरू ये सब नहीं थे, इन लोगों से जो है हमें नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने एक संस्कार दिया था इस देश में कि आदमी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो,
अगर वो आदमी अच्छा है तो आदमी सही है, इससे फ़र्क नहीं है कि वो मुसलमान है कि हिंदू है। वर्तमान सरकार में ये होने लगा है एक संस्कार कि आप मुसलमान हैं तो इसका मतलब आप ठीक नहीं होंगे, आप अगर देशभक्त हैं तो इसका मतलब है कि आपको हिंदू होना चाहिए, अगर आप मुसलमान हैं तो उनको शंका होने लगती है। कांग्रेस के सरकार में ये छूट थी, अगर कोई तो ठीक है, वो गलत है तो गलत है। गांधी जी को जिस आदमी ने गोली मारी थी वो ब्राह्मण था, किसी को पता है यहाँ? गांधी जी को जिस आदमी ने गोली मारकर हत्या की थी वो आदमी ब्राह्मण था। अगर कहीं वो आदमी मुसलमान होता और उसने गोली मारी होती तो मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया होता उस समय, लेकिन किसी ब्राह्मण ने गोली मारी थी इसलिए चुपचाप सब रह गए। गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। मैं आपसे बताऊं, गांधी जी के चार बच्चे थे, गांधी जी के चार बेटे थे, और गांधी जी ने अपने घर के बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हर बच्चा इस देश का मेरा बच्चा है। देखिए से चलना शुरू किया था गांधी जी ने, अपने बच्चों को कभी आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इनमें अगर क्षमता होगी तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। आज हम इस दौर में आ गए हैं कि जब बाप मुख्यमंत्री बनता है तो अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देता है सबसे पहले, और अगर पति को जेल जाना पड़ता है तो अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री बना देता है। और हमने कहाँ से चलना शुरू किया था? गुरु नानक के दो बेटे थे और गुरु नानक बूढ़े हो गए, तो लोगों ने कहा गुरु नानक से कि आपने सिख धर्म स्थापित कर दिया है और कोई मुखिया होना चाहिए। तो नानक ने अपने बेटों को मुखिया नहीं बनाया, अपने शिष्य को उन्होंने मुखिया, बेटे को नहीं बनाया, और बेटा उनका गुस्सा हो गया कि मुझे आपने नहीं चुना, अपने शिष्य को चुन लिया। उन्होंने कहा बेटे को चुनूंगा तो लोग समझेंगे कि मैंने मोह बस ऐसा किया है। एक ऐसा समय था, चाहे राजनेता हों चाहे धर्म नेता हों, वो उसको चुना करते थे जो आदमी सही हो बस। कुछ 70-75 वर्षों में हम अब यहाँ पहुँच गए हैं कि आदमी की योग्यता मूल्यवान नहीं होती है, महत्व नहीं होता है, उसकी जात, उसका उससे हमारा पारिवारिक संबंध, इसका मूल्य होने लगा है। चीज़ें सही हैं या गलत हैं इस पर नहीं कहता हूँ, लेकिन जो समाज में दिख वो कह रहा हूँ। और गांधी जी के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। शास्त्री जी जब मरे तो उनके बैंक में 4,000 रुपये थे, 4,000 रुपये, और वो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री था और इसके पहले अन्य पदों पर वो मंत्री रहे थे, और न अपने बेटों को आगे बढ़ाया न किसी को, बस जो काम था वो काम करते रहे लोग। ऐसे लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो लगता है जैसे कोई स्वप्न देख रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं। और आज जहाँ हम जी रहे हैं वो एक दूसरी दुनिया हो गई, एक दूसरा ढंग हो गया है। अविलास साहब ने किसी ब्राह्मण को नहीं कहा कि तुम मेरे बाद बनोगे, और जब कोई ब्राह्मण उनके पास साधु होने आया
तो उसी कसौटी पर उसको भी कसा जिस कसौटी पर दूसरों को कसते थे। गांधी जी कभी नहीं कहे कि कोई बनिया है क्या, उसको मैं बनाऊंगा आगे। गांधी जी का नेहरू जी से कोई पुत्रवत संबंध नहीं था। गांधी जी गुजरात के थे, नेहरू जी इलाहाबाद से थे। गांधी जी चाहते तो पटेल को बना सकते थे, पटेल जी गुजरात के थे, लेकिन पटेल के स्वभाव में उग्रता थी। गांधी जी समझते थे ये उग्र हो जाएंगे तो दिक्कत कर देंगे दूसरों को, इसलिए उन्होंने नेहरू जी को बनाया। अब लोग इस पर भी प्रश्न चिन्ह करते हैं, तो ये प्रश्न चलते रहेंगे, चर्चाएं चलती रहेंगी। अंग्रेजी में एक कवि हुए हैं लॉन्ग फेलो, उनकी एक कविता है जिसकी दो तीन पंक्तियां कुछ ऐसी हैं कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक अवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं, और जब हम एक दिन छोड़ करके जाते हैं इस दुनिया को तो दूसरों के लिए हमारा जीवन पदचिन्ह के रूप में काम करता है। इन महापुरुषों पर चर्चा, इन पर चिंतन मनन, ये कहीं हमारी जड़ता को ख़त्म करे और हमें आगे एक सद जीवन जीने की प्रेरणा दे, ऐसी शुभकामनाओं सहित मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।